मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी दलों का ओबीसी वोट बैंक पर फोकस बढ़ गया है। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार आई प्रदेश में तो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। कमलनाथ ने दावा भी किया है कि सूबे में 55% ओबीसी आबादी है, लेकिन बीजेपी सरकार पोल खुलने के डर से जातिगत जनगणना से भागती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर ओबीसी से छल करने के आरोप लगाए हैं। बात आज इसी पर होगी, बात चर्चा आज इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी वोट बैंक का सवाल एक बार फिर सियासी दलों के सामने खड़ा है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जाति जनगणना को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसे ही मुद्दा बनाकर बीजेपी के ओबीसी बैंक में सेंध लगाई थी। मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल से ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का हिमायती बनकर कांग्रेस बीजेपी में श्रेय की राजनीति लगातार जारी है। इसकी वजह है कि प्रदेश में आधी आबादी ओबीसी वर्ग की ही है। हालांकि अब कमलनाथ ने दावा किया है कि सूबे में आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी है। भोपाल में पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में कमलनाथ ने दावा किया था कि सूबे में 55% ओबीसी आबादी है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो जाति जनगणना करवाई जाएगी। पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में 55% है और ये जाति मतगणना से घबराते क्यों? ये तो उन्होंने साफ कहना चाहिए, तो न्याय है। दूध का दूध पानी का पानी अलग हो। जाति मतगणना ये नहीं कराते क्योंकि ये पोल खुल जाएगी 55%। इसलिए ये कभी जाति मतगणना नहीं कराएंगे। पर याद रखिएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी हम कराएंगे, हम आवश्यक कराएंगे, क्योंकि सबको जानकारी हो, पूरे प्रदेश में सबको जानकारी हो, किसी समाज की हो। उधर बीजेपी भी ओबीसी वोट बैंक को लेकर सतर्क है। निकाय चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों दलों के बीच खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। एक बार फिर ओबीसी की सियासत तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर ओबीसी से छल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की रोज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो हर समाज वर्ग को छलने का काम करते आए हैं। ओबीसी वर्ग के साथ क्या किया, ये ओबीसी वर्ग बड़ी गहराई के साथ जानता है। किस प्रकार से झूठ और उन्होंने छल किया था, किस प्रकार से ओबीसी वर्ग को अंधेरे में रख करके उनके वकील ने क्या किया था, ये भी बहुत जनता और ओबीसी वर्ग बड़ी गहराई के साथ जानता है। इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उधर ओबीसी संगठनों की निगाहें भी सियासी दलों पर टिकी हैं। ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों ने कमलनाथ से 115 सीटों पर ओबीसी प्रत्याशी उतारने की मांग की है। यानी सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, ओबीसी वोट बैंक चाहिए तो विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान भी चुनौतियों का सामना करना होगा। सवाल है कि ओबीसी वर्ग का साथ किसको मिलेगा। इस सवाल का साफ जवाब तो चुनावी नतीजे ही देंगे, लेकिन एमपी विधानसभा चुनाव में ओबीसी आरक्षण बड़ा मुद्दा होगा। भोपाल से न्यूज 18 के लिए शरेंद्र की रिपोर्ट। तो ओबीसी वर्ग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम सब जानते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश में है ओबीसी वर्ग का। यही वजह है कि राजनीतिक दल ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश लगातार करते रहते हैं चुनाव में। तो इसी पर चर्चा आज होनी है और चर्चा में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से हैं बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू जी। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से हैं कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। और हमारे सहयोगी भोपाल से शैलेंद्र चौहान भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में दोनों विरोधी दल मतलब बीजेपी कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ओबीसी वोट बैंक पर नजरें बनाए हुए हैं।
और ये नजरें क्यों बनाए हुए हैं सब जानते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक है ओबीसी वर्ग का, लेकिन चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को रिझाने में कौन सा दल कामयाब हो पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शैलेंद्र देखिए सुमित, बात बड़ी साफ है, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का इतना बड़ा वोट बैंक है कि हर पार्टी चाहती है कि ओबीसी उनके साथ आए, क्योंकि इन्हीं के जरिए सत्ता में जाने का रास्ता साफ होता है। और मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी है उसको लेकर बार बार ये कयास लगाए जाते हैं कि कभी भाजपा सोचती है कि ओबीसी हमसे छिटक ना जाए और कांग्रेस ये समझती है कि ओबीसी हमारे पाले में आया तो हमारी सरकार बनना तय है। तो आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से लगातार आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में मुद्दा गरमाया हुआ है और पहले मध्य प्रदेश में 14% ओबीसी को आरक्षण दिया हुआ है जिसको लेकर 27% करने की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की राजनीति और कानूनी दाव पेच के चलते ओबीसी आरक्षण का मुद्दा पिछले 3-4 सालों से उलझा हुआ है। ना तो ओबीसी को 27% आरक्षण का फायदा मिल पा रहा है, ना ही 14% जो आरक्षण से प्रमोशन होना है। मध्य प्रदेश में 10 लाख कर्मचारी हैं और इसमें से 2.5 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो कि लंबे समय से प्रमोशन की आस में बैठे हुए हैं। तो ओबीसी यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है और आज भोपाल में ओबीसी की करीब 20 से 25 ऐसी जातियां एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा हुई, वहां पर मांग की कि 27% एक तो आरक्षण मिले और वहां से ओबीसी वर्ग ने एक हुंकार भी भरी है कि हम उसी दल के साथ जाएंगे जिस दल के साथ हमको ये गारंटी मिलेगी कि हमें 27% आरक्षण मिलेगा और दूसरा हमें प्रमोशन जैसे सारे फायदे मिलेंगे। तो अगला जो चुनाव है वो अब सारा ओबीसी के इर्द गिर्द आरक्षण को लेकर और इसके अलावा उस आबादी को लेकर टिक गया है कि किस तरह से ओबीसी वर्ग जो जनगणना है, अब जनगणना की भी एक बड़ी मांग उठी है क्योंकि आज पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है कि हम जातिगत जनगणना भी मध्य प्रदेश में कराएंगे और मध्य प्रदेश में 55% आबादी है। तो आप समझिए कि अब ओबीसी की जो राजनीति है वो आने वाले 3-4 महीने में और उबाल पर होगी। ठीक है शैलेंद्र, गोविंद मालू जी, कमलनाथ जी के बयान पर क्या कुछ कहेंगे गोविंद जी आप? कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे। ठीक है गोविंद जी, से हमारा संपर्क टूटा है, फिर से कोशिश करेंगे हम गोविंद जी से संपर्क करने की। भूपेंद्र जी, आप लगातार हम देख रहे हैं ओबीसी वर्ग को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, सेंध लगाने की कोशिश है, लेकिन कौन कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात हुई है भूपेंद्र जी, उस पर क्या रिएक्शन आपका? ये तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे सहमत हैं इससे जी, और ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए जी। जब हम देश में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, संसाधनों के जो है उचित बंटवारे की बात करते हैं, तो ये जनगणना में दिक्कत क्या है? जनगणना होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों इसके खिलाफ है उसे बताना चाहिए। ये झूठ झूठ और फरेब की राजनीति करने वाली पार्टी, ये बताए इन्होंने बीपी सिंह की सरकार गिराई किस लिए? जिस दिन मंडल आयोग आया, मंडल के खिलाफ कमंडल किसने लहराया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हमेशा से दगा देते रहेंगे बराबर, जो एक ब्रॉडर हमारी व्यापक समाज है उसके साथ धोखा करने का इन्होंने हमेशा काम किया है। 14% आरक्षण जो आज उपलब्ध है वो किसने, हमारी सरकार ने दिया था जी। हमने दिया था महाजन आयोग के बाद, फिर अर्जुन सिंह जी ने दिया था। तो इन्होंने कब क्या किया है ये उसकी बताए ना बातें, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हमने सब कुछ किया, हमने सब कुछ किया, एक काम गिनाओ क्या किया तुमने। 27% जो आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू करने का जो नोटिफिकेशन हुआ है वो तो नोटिफिकेशन वही है, इनसे डेट पूछ लीजिए, 2019 की डेट है, ये तो कमलनाथ जी की सरकार का नोटिफिकेशन है जो तुमने जारी किया है। तो फिर जो है रो क्यों रहे हो भाई, ये सियापा किस लिए कर रहे हो? आज पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए कोई पार्टी संघर्षरत है, एकमात्र पार्टी आजादी के दिन से आज तक, तो वो कांग्रेस पार्टी है। इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो तो बता दें कि इन्होंने ये काम किया ओबीसी के लिए, मूर्तियां बना के बिठा देते हैं और इसके बाद जो है समाज को रगड़ के रख देते हैं। आज मूर्तियां बना के रख दी, आदिवासी को हमने ये बना दिया वो बना दिया, और आदिवासियों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है।
आज क्या इस दुनिया में हजारों सालों से नारी की पूजा करने का हमारे शास्त्र बात करते हैं, आज पूरे देश शर्मसार हो रहा है दुनिया के सामने, महिलाएं को जो है नंगे करके परेड कराई जा रही है, और एक दिन नहीं फिर से एक दूसरी नावा बच्ची के साथ वही काम। ये काम जो है देखने हुए जिन लोगों को शर्म नहीं आ रही है वो लोग जो है सामाजिक न्याय समता समरसता ये डायलॉग बाजी करते रहते हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र जी गोविंद मालू जी से। गोविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आती है तो जातिगत जनगणना होगी, ये तो कहा उन्होंने। बीजेपी पर ये आरोप लगा दिया कि सरकार की पोल ना खुल जाए इसलिए सरकार जनगणना से भागती है। गोविंद जी, सुमित जी, आजादी के पहले जब जातिगत जनगणना कराई थी अंग्रेजों ने, उसके बाद 47 से आज तक क्या सोते रहे? ये बार बार छल करते हैं, सियासत करना और वर्ग संघर्ष पैदा कर, भाषाई संघर्ष इनके समय हुए, वर्ग संघर्ष इनके समय हुए। अब ये आयोग की बात करते, आयोग को संवैधानिक दर्जा इन्होंने दिया क्या? हमने, हमारी सरकार ने दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को इन्होंने लागू किया क्या? किसने लागू किया? रामजी महाजन आयोग की बात कर रहे थे, कहां हुआ रामजी महाजन आयोग का? 27% आरक्षण की केवल इन्होंने बात की, केवल बात की इन्होंने, और कोर्ट में खड़ा नहीं किया वकील को, उसके कारण स्टे हो गया। इसके सारे आरोपी सारे दोषी ये है, एक भी पिछड़े को तो छोड़ो, दलित को ये सहन नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के, प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के, इनके यहाँ तो अरुण यादव पिछड़े वर्ग के, उनको ही दरकिनार करके एक साइड में करते हैं ये लोग। ये लोग केवल छलकपट करते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे संसाधनों पर पहला मुसलमानों का है, कभी दलित एजेंडा की बात करते हैं, और चुनाव आते हैं तो बस जहां वोट दिखता है बस वहां ये पसर जाते हैं। ये अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, उनको उसी स्थिति में रहने दिया, उनके आर्थिक स्थिति का उन्नयन, उनका विकास, उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ाना, ये सब कोई काम इन्होंने नहीं किया। केवल ये चुनाव के समय किस तरह, ये जब इनकी सरकार थी तो क्यों नहीं किया? इन्होंने खुद ने मना किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, करा लेते पिछली बार 2011 में, तो इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराई इन्होंने? किसने मना किया था इनको? ये केवल छल करते हैं, कपट करते हैं, और केवल गोविंद जी सवाल अब ये सवाल अब ये उठता है कि आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय तक रही है, अभी भी है, तो आरक्षण को लेकर आपने क्या किया है? ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण को लेकर आपने क्या किया? कांग्रेस कहती है कि आपने ओबीसी वर्ग को हमेशा छला है। कोर्ट में देखिए, कोर्ट में जो मामला लंबित है उसके अलावा बाकी सब प्रधानमंत्री जी ने दिया, केंद्र में 27% आरक्षण मेडिकल में और बाकी जगह, हमारे शिवराज जी ने दिया पिछड़े वर्ग को आरक्षण। ये मैंने कहा ना कि वर्ग संघर्ष कैसे पैदा करना, ये इनको आता है। कहां कर रहे हैं ये आरक्षण की बात? ये कौन सी बात? ये केवल बात करते हैं और फिर एक हाथ से निवाला देते हैं मुंह में, दूसरे से खींच लेते हैं। ये इस तरह के कपटी हैं और ये केवल छल करते हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और ये केवल चुनाव जीतने के लिए आंकड़े अपनाते हैं, उसके बाद केवल उन वर्गों को ठेंगा दिखाते। ठीक है, ठीक है भूपेंद्र जी, गोविंद जी के सवालों का जवाब तो दीजिएगा आप, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यह है, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि सरकार की पोल खुल जाएगी इसलिए जातिगत जनगणना नहीं कराएगी वो, तो किस तरह की पोल खुलने की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी? भूपेंद्र जी, पहली पोल तो यहीं से शुरू करें अपन, कि ये जो कालनेमी सज्जन जो है कालनेमियों की तरह बात कर रहे हैं, साधु बन के लोगों को लूटते हैं। अभी सुन लो जरा, पहले दिमाग आपको सब निकल जाएगी, अभी 4 महीने बाद जनता निकाल देगी। सुन तो लो भाई, महाजन आयोग जो है क्या गोविंद मालू ने बनाया था कि अर्जुन सिंह ने बनाया था? अरे बनाने से क्या होता है आयोग बनाने? अरे ये बताओ, तुमने बनाया था क्या? पहले यहीं से तुम्हारी पोल खुलनी चालू हो गई है। अरे ये झूठ बोल रहे थे ना, ये फेंट फेंट के जलेबियां बनाते हुए, कैसे बोला था? पोल पहली खुल गई, बताओ किसने बनाया था? महाजन आयोग, महाजन आयोग की सिफारिश लागू की थी, क्या गोविंद जी? गोविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, गोविंद जी मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, गोविंद जी प्लीज, गोविंद जी मैं लौटूंगा, गोविंद जी प्लीज, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ आपसे, गोविंद जी मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा, भूपेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। जी भूपेंद्र जी, बच्चों को जिंदा किसने जलवाया था? किसने बीपी सिंह की सरकार गिराई थी? आप पार्टनर थे उनकी सरकार में कि नहीं थे? आपने मंडल की सरकार किस लिए गिराई थी कमंडल के नाम पर, जरा इसका जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस थी उसमें?
कांग्रेस के, बोलिए किसने गिराई थी वो सरकार, इसका जवाब दीजिए। बच्चों को जिंदा जलवाए आत्मदाह के लिए मजबूर किया और उनको प्रेरित किया उन लोगों, आप जो है देश में बिना लाशों के आपकी सत्ता का, सत्ता के लिए कुछ भी करो। आज आप कर रहे हैं वहाँ पर मणिपुर में, आप वही आज मणिपुर में कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ निकल चुराना, आपको प्लेटिनम की खदानों पर करना है, इसलिए आप देश में आग लगाने के लिए भी तैयार है। ये आपकी पोल है, जरा जवाब दो इसका। आपने केरल की बदल दी, किसने बनाया था महाजन आयोग? ठीक है गोविंद जी, गोविंद जी मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगा। जातिगत जनगणना की बात कमलनाथ जी कह रहे हैं, क्या बीजेपी इस ओर सोचेगी क्या कभी? हमसे हाना में जवाब लो जरा। जनगणना हो रही है गोविंद जी, पहलवान साहब जातिगत जनगणना, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ, 2011 में जो जनगणना हुई उसके पहले जो जनगणना हुई तब इनकी सरकारें थी, क्यों नहीं कराई? आज ये ठीक है, ठीक है, कांग्रेस कह रही है, मतलब बीजेपी कह रही है कि क्यों नहीं कराए, लेकिन बीजेपी ये नहीं कह रही है कि हम कराएंगे। मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ रोक रहा हूं। गोविंद जी, भूपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।